Tango Britney. Tango Britney. Tango Thank you.
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाने
जो
मनुष्यों की सभा में अपमानित होगा जब इसके पति लोग जान जाएंगे कि हमारी पत्नियों से इसके भाव है तो उसको अपमानित करेंगे। वो खून वैसा ही दूध होकर के उसका दूध होकर के हमें मनाने के लिए दो हत्या दो इसका कल कुछ विश्लेषण हुआ सब व्याख्या हुई। राधिका जी का यह प्रेम वैचित्र भाव पागल हो रही है प्रेम वैचित्र में कभी क्रोधित हो रही है कभी तो कुछ ठंडी हो रही है कभी प्रसन्न हो रही है कभी उसे धिक्कार रही है और कभी उसे मना भी रही है और व्यंग कर रही है उसे इस प्रकार में दूसरे श्लोक से संकेत में कुछ व्याख्या करो तो यस्टरडे आई है अगेन यू वांट टू टेल and the
I'm no drunk. I am coming here not to break your mind. As it is, red color of my mouth is my natural color. But Shimani Radhika told him, go away, fool. You are like your master. You also come here as Madhupati and you are like your master. Then the others are being disrespected because Vishnu is going with their wives. You should return them. Therefore, Shrimati Radhika is experiencing Prem Vaichitya Bhava, which means, therefore, she is sometimes angry, sometimes happy, sometimes she criticizes herself, sometimes she criticizes Krishna, sometimes she scolds. In this way, she experiences many, many different emotions. And now we can hear the second verse. चंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अभी अभी उद्धव की आई में वृषभानंद मंदिर में राधा जी जहां तक महाभाव की चरम स्थिति दिव्य की दशा में पड़ी हुई है और उस दिव्य मार्ग में चित्र जल्प संयल्प अजल्प अभियल्प अभियल्प विल्प आदि करके दस प्रकार के दिव्य मार्ग वर्णन हो रहा है, जिसमें विश्वभर नंद ने सिराधा दी अंतर्दशा में प्रवेश की है। उनको बाहरी कोई पता ही नहीं है, कौन आया क्या हुआ कुछ भी स्थिति का पता ही नहीं। ऐसी स्थिति में जहाँ उद्धव जी वहाँ निकट में आ करके प्रणाम करके बैठे हुए हैं और उस समय राधा जी एक भवनों में आविष्ट होकर कि कोई काला भवना आ करके मेरे पैर में बैठने जा रहा है और उसी को लक्ष्य करके राधा जी अपने अंतर्दशा में अपने दिव्य मार्ग में उन भावों को व्यक्त कर रही थी। जहाँ पर भौरे को पहले तो दो श्लोकों में बता दिया कि हे बंधु तुम्हारे प्रभु जैसे तुम भी वैसे, जैसे राजा वैसे दूत, और तुमसे ही पता लगता है कि तुम्हारा प्रभु जैसा है और तुम्हें तो कोई होशाबाज नहीं दिया। भौरे को क्योंकि मनुष्यों को दो पैर होता है और पशुओं को चार पैर होता है, इसलिए उसे जानवर कहा जाता है, पशु कहा जाता है। तुम्हारा तो छह पैर है, तुम पशु से ज्ञान का हुआ बुद्धि शुद्धि तो है नहीं, बार बार क्यों उन बातों को कहा करते हो? ये बोलने से क्या काम? जीवी भूमि संसार में स्वर्ग में मर्ग में पाताल में कहीं भी जाए उनके लिए किसी स्त्री की कमी है, सभी उनके चरणों में जाकर के लुट जाती है और बिना भोग के दासी बन जाती है। जी भोली भाई स्थिति साझी है जो कि बार बार ठक ठक करके भी तुम्हारे उनके पास में पहुंचती है और रोती हुई भी फिर उनके पास में जाती है। हम सब पुरानी हो गई है, अब भन्नता अन्नवार्ता, अब विजय सत सभी नाम की अन्नवार्ता, और तुम्हारी उन बातों को अब कहने की जरूरत नहीं है। सारी पुरानी हो चुकी है, हम लोगों का काम भी भर चुका है, भर भर कर गया पूरा हो गया, अब जरूरत नहीं आगे की बात बताओ। तो ये तुम यहाँ पर ऐसी बात कर सकते हो क्या? यहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा? आज तुम्हारे प्रभु ने हम लोगों की ये स्थिति बना दी, कहाँ हम लालू लाली थी आज हम बन के भिखारी बन गई, हमारे पास मुट्ठी भर छोला भी नहीं है क्योंकि हम तुम्हें दे कुछ भी खाने लायक चीज भी नहीं है, न पास में कुछ है न देने लायक है, इसलिए यहाँ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ जाओ मथुरा में जा करेंगे कृष्ण जी को प्यार करते हैं, उन मथुरा नागरियों के सामने जाकर कृष्ण की खूब बातें सुनाना, उनकी महिमाओं की प्रशंसा करना, फिर तुम्हें जी भर करके बहुत सारी चीजों को लोकगण के रूप में देंगी और कृष्ण के पास में जाकर के उन मथुरा नागरियों की बातों को सुनाना, देवी तुम्हें पुरस्कार देंगे। पर यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, इसके बाद बार उनकी बात मत सुनाओ, हमें अब कहना नहीं है, हमें सुनाना नहीं है। तो हे स्वामी जी,
तो बार बार आप उनकी बात कर रही है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, आप ही खुद बोल रही है, तो आप बोलो मत, उनकी बातें छोड़ दो। बोले अरे कैसे, देखो कृष्ण ने हमें छोड़ दिया परंतु उनकी कथा उनका नाम जो है कभी हमें छोड़ा नहीं, इसलिए उन्हीं की कथा के सहारे से ही जी रही हूँ, अन्यथा मैं कब चली जाऊँ। इसलिए दुष्टा उनकी कथाएं छोड़ने की बात नहीं, छोड़ने पर भी वो छोड़ती रहती है उनकी कथाएं। प्रिय युनी कपिंद्र विपदे रुद्ध भगवान स्त्रियां मत्त विरूपा स्त्री तथा पजारा बलिपति बलिमत्वा वेष्टया धन च वर्जत स्तद अलम असित शत्रु दुष्टजस तथा मृग युनी कपिंद्र विपदे रुद्ध भगवान। हे भोरा तुम जानते हो केवल एक जन्म का ठग नहीं है, ये जन्म जन्म के ठग कई जन्म के बाद बताओ क्या बताओ, ये जन्म जन्म के ठग है। काले सब समय ठग होते हैं, कृष्ण को भी वो ये नहीं ये तुम्हारे अवतार है वो ये सब है, काले सर्वदा ही जितने भी काले हैं श्याम काल वाले श्याम सुंदर का कोई दोष नहीं है, दोष है श्याम का नाम मत लो, नाम के लिए ना चाहती बस काला है, बोले काले का दोष है। बोले कैसे मृगयू रीव कपिंद्र विपद गुप्त धर्मा, मृगयू रीव कपिंद्र जब पहले एक काला था आज जिसने जब वन में गया तो वन में जा करके एक बाणर से मित्र जानी उससे उसके प्रतिपक्ष जो की बाणर राज बाली था उसको पेड़ के आड़ में छिप करके वहीं से बाण मार करके जो कि कोई भी बंधन का मांस तो खा पाए नहीं है और बिकता नहीं है, कोई खाते भी कोई मारता भी नहीं है, तो ऐसे बंधन तो सभी छोड़ देते हैं कोई मारता नहीं, ऐसे बंधन तो होना मारा क्यों कामी था ना, एक कामी बंदर से मित्रता कर ली उसकी भी स्त्री को बाली में ले लिया था और इसकी भी स्त्री चोरी हो गई थी, तो कामी अपनी स्त्री के बसे रूप होकर के एक कामी से फिर मित्रता की और फिर बिना कारण ही उस बंदर को मारा जिसका कोई दोष नहीं था जिसका मांस भी नहीं खाया था, तो इसलिए तो उससे मित्रता करके ये काम कर दिया। चलो क्षत्रिय क्षत्रिय होने के वजह से ऐसे वार दिए, जब साधु संन्यासी बन करके जगह वस्त्र पहन करके वन में गए तो वन में गए तो अकेले जाना चाहिए, फिर स्त्री का हाथ पकड़ करके साथ में ले जाने की क्या जरूरत। अब जबकि जंगल में एक शूर था जिसने सुंदरी में धारण करके आई, उनके रूप देखकर मुक्त होकर के आई, उन्हें ग्रहण नहीं करना था, नहीं करते मना कर देते या छोड़ देते, फिर उसका नाक पर काट करके अंगों को विकृत कर दिया कर दे और फिर जीवन में कोई उसी ग्रहण नहीं कर सके, तो क्या ऐसा करना था, यही उचित हुआ। और ऐसे काम किए, ये भी क्षत्रिय क्षत्रिय अवतार से हुआ और भी एक काला था दूसरे एक काला जो कि बावन अवतार ले लिया है, वे भी काले रूप ले लिया है और ऐसे सीधे सारे भोले भाले सच करके गए कि किसी को भी पता नहीं लगे, बलि महाराज को जाके कहने लगे मैं तो निम्न भी ब्राह्मण हूँ मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप बार बार मुझसे दान मांगने को कहते हैं, मैं धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगा, इसलिए मेरे अंदर ऐसा लोभ लालच नहीं है, मैं तो चाहता
वहां के जितने भी मूल हैं कि शूद्र वीर, दान वीर, धर्म वीर, बड़े बड़े वीर हुए हैं, उन सबके गुणों से आप विभूषित हैं, इसलिए आपके जैसे महान गुणी महान दाता कौन मिलेगा? और मेरे जैसे वीर को भी ब्राह्मण और कहां मिलेगा? मैं तो कुछ चाहता ही नहीं, आप बार बार दे रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अब तीन बैठ भूमि ही हमें मिल जाए जहाँ बैठ के तपस्या कर सकूं। इतनी बात कह करके संकल्प को करा करके उन्होंने दान ग्रहण कर लिया। कहा से त्रिविक्रम रूप धारण करके तीनों पैर से सब कुछ नाप लिया, ब्रह्मांड नापा, ब्रह्मांड कटा भेद हो गया, वहां से पानी भी निकल करके आ गया, फिर पाताल तक नाप लिया, फिर बलि महाराज जी के सिर पर पैर रख दिया और फिर राजपाट से बांध सारा राज्यपाल छीन के देवताओं को दे दिया। क्या ऐसा करना चाहिए था? तो इस प्रकार त्रिविक्रम रूप धारण करके ऐसे किया। तो इसलिए उन्होंने ऐसे किया, बलिम बलिमत्वा और इस समाज जो हमारे साथ ठगवाली कर रहे हैं, ये तो आपने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए क्या कहूं दुष्ट कल हम असित सही, उस काले से मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं, असित सही तब जब जरूरत नहीं है तो बार बार क्यों कह रही है? दुष्ट जब तक कथा क्या करूं, उनकी कथाएं छोड़ नहीं पाती हूं, ये जो दुष्कर्ज है छोड़ना चाहने पर भी छूटती नहीं है। जरूर चरित लीला कर लो भेटो शक्ति दलन विधवंत दंत धर्म अभिवर्षा, जरी कोई व्यक्ति एक बार भी उनका नाम ले लिया कृष्ण का नाम और कानों में प्रवेश कर गया तो हो गया धर्म संसार सारा समाप्त हो गया, दंत धर्म सब मिट जाता है, पिता माता का, पुत्र कन्या के पति पति पत्नी का, भाई बहन का, संसार का जितना भी संबंध है सब छूट जाता है। भगवान जिसको अनुग्रह करते हैं उनका सब कुछ हरण कर लेते हैं, वो व्यक्ति दुखी होकर के और रोता रहता है, जब वो खुद रो रहा है सब लोग देखते आ रहे हैं खुद रो रहा है, इसके साथ में मृत्यु का करके क्या होगा, इसलिए सभी उससे छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तब वो बेचारा रोता हुआ वृंदावन को आता है, जो कि काला कौड़ी कपड़े भी नहीं और खाने पीने का कुछ नहीं, पंछियों का जैसा जीवन बिताता हुआ इधर उधर घूमता हुआ दिवरात्र रोता है और इसी तरह से जीवन बिताता है, ऐसे ही भक्तों का जीवन है। तो राधा जी कहती है जगन चरित लीला कर्ण पीयूष भेटो शक्ति दगन विधौत दंत धर्म विनष्टा, समस्त प्रकार के दंत धर्म विनष्ट हो जाता है। इसलिए उनकी कथाएं क्या कहूं, बार बार नहीं कथाओं के द्वारा तो हमारी भी वही कथा है जो तीन रात हम रो रही है, जबकि भ्रमर बार बार मनाने के लिए गुनगुन कहने लगे तब राधा जी कहती है क्या तुम हमें किस लिए बार बार मनाते हो, क्या मैं मथुरा जाऊं उनसे जाकर के मिलूं? ये तो संभव नहीं, मथुरा और वृंदावन की दूरी केवल एक ही लाइन है, परंतु हमारे लिए तुरंत कितना हजारों मील की वहां वैश्वर्यमय भूमि है, ब्रजभूमि माधव जी की भूमि है, अपने दोनों में कभी मेल नहीं खाता, तो राधा जी कभी जा नहीं सकती, इसलिए वे कहती है मैं तो वहां नहीं जा सकती और जाऊंगी तो मैं करूं क्या? श्री मधु सात मास से लक्ष्मी जी मधु बन करके उनके साथ में बैठी हुई है, तो वहां जाकर के मैं सतिया डांस में फंस जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहां जाकर के करूं क्या? वो लक्ष्मी जी कृष्ण के वक्षस्थल में सरल रेखा के रूप में अवस्थित है, जब कोई नहीं होती है तो वहां वधु बन करके बैठ जाती है, कोई आ जाए तो छिप जाती है, तो वहां तो मैं इनकार नहीं सकती, तो बार बार क्यों मना?
जी वो घोड़ा ऐसा उधर घूमता हुआ फिर से आया, तब राजा जी ने पूछा, प्रिय सखी पुनराजा, फिर प्रिय सखी फिर से तुम आ गया, बार बार केवल रूंधे क्यों बार बार अवरोध करती करते हो, क्या चाहते हो? मैं जाऊं वहां जाना संभव नहीं है, पर एक बात अभी मत मधुपुरी जाओ, आज पुत्र धुरास्ते स्मरते सपेत्री ये हां सम्म गंधस्त गोपा बोले कि अभी मत मधुपुरी जाओ, आज पुत्र अधुनास्ते, क्या आज पुत्र अभी भी मधुपुरी में है? यदि होंगे, यदि वे मधुपुरी में निवास कर रहे हो तो निश्चित रूप में कभी लौटने की संभावना दिखती है, और कहीं दूर निकल गए हो तो फिर कभी लौटने की कोई संभावना नहीं होती। क्या वे मधुपुरी में है एक मिनट, और यदि होंगे तो क्या कभी स्मरते सपेत्री यहां, क्या कभी पिता माता के लिए स्मरण करते हो, अपने घर के लिए कभी उनको स्मरण होता है, क्या उनके वयस्क शिखाओं के लिए उनको स्मरण होता है, उनकी जो प्रिय गाय है उन गायों के लिए बछड़ों के लिए कभी उनको स्मरण होता है, क्या कभी जल की मथुरा की नागरिया अच्छे अच्छे प्रकार से सेवा करती है, खिलाती पिलाती है, उस समय क्या कभी उनकी रीति रिवाज से हम लोगों का नाम लिया करती करते हैं कि तुम लोग जैसी सेवा करती है जितना परिपाटी जानती हो, ऐसी ब्रज की गोपियां जानती नहीं, भी इसी परिपाटी नहीं समझती, गांव की ग्वाली है उनको कहा आता पर कहने को तो खूब करती थी, तो इसी प्रकार से क्या कभी उनके रीति से नाम लिया करते हैं हम लोगों का? यह कभी ऐसा दिन आएगा जब सारी दुनिया में घूमते हुए कि गोपियों की जैसे सेवा करने वाले, गोपियों की जैसे प्रेम प्रति करने वाले दुनिया में कहीं नहीं मिला, तब उनको मन नहीं भरेगा, सब जगह देखते हुए परखते हुए फिर लौट कर इस ब्रजभूमि में हम सबके सामने आएंगे, और उस समय भुजा पर मूर्धना भाष्य कदानु, क्या कभी हम लोगों के मस्तक पर अपनी वालू सुगंधित सुगंधित भुज कर हमारे सिर पर धारण करेंगे? कभी ऐसा दिन आएगा जितना कहने का राधा जी बहुत सीख हो जाती है। देखो उड़ी जी बिखेर जो उड़ो खेरे and then he saw Shivani Radhika. She was completely absorbed in Jadu. She had no sense of who had come, who was going. In this Ramaki, she manifested 10 types of Divya Mahat, divine madness. So, Shivani Radhika, seeing that bee, began to abuse that bee. Oh yes, like your master, you are the same category, but you are more foolish. Human is foolish because two legs, but more foolish than a human is an animal who has four legs. But you have six legs, therefore you cannot imagine how foolish you are. But we are not like Lakshmi. Lakshmi, hearing his sweet voice and seeing his sweet smile, she becomes completely captivated. But we are not like her. We are not like her. We have learned from past experience. O bee, have you come here chanting the glories of Krishna? Iti katha puranam. But this Hari Katha is very old news for us. You have only known him for 2 or 3 days, but we have known him a long time. Have you come here chanting the glories of Krishna, hoping for some donation? Then you are wasting your time. We have lost everything by the association of Krishna. Better go there to Mathura and chant his glories there. The Raj Kumaris will be very happy and give you many donations. Then the bee may answer, oh, mistress,
If Krishna is so bad, why are you talking about him again and again? I have not brought his, the topic of Krishna up. You have brought him up. Then Srimati Radhika said, what can we do? Krishna has left us, but we cannot leave his name. We cannot leave his Harikatha. Then Srimati Radhika said, this is not the fault of that Kala. Actually, when Guru was at home, when I said, Radha Radha, you were saying the name Krishna. Asit Purush, that person who is not white. Therefore, she is not taking the name of Krishna. This is not the fault of that black, it's the fault of all blacks. There was one Kala, one black one before. His name was Ram. He was very lousy because he took sannyas and went to the forest with his wife. And what did he do? A lousy person made a relationship with another lousy person. Therefore, he made friendship with a lousy monkey named Sugriv. Therefore, both Sugriv and Ram are both the same character because both lost their wives to someone else. Therefore, both lousy persons made a relationship. And what did Ram, what did that black do? He killed another monkey that had no fault, Bali. Not only did he not kill him face to face, but he killed him hiding behind a tree for no benefit to himself. Because you cannot eat a monkey's flesh, you cannot sell it, you cannot use his skin. Therefore, he committed sin for no benefit to him, no benefit to himself, only driven by lust. That black, what did he do? One woman, captivated by his beauty, approached him. Her name was Supanika. It's natural that a woman will be attracted to a beautiful man. Therefore, she approached Ram. But what did that black do? He cut off his nose, cut off her nose, and cut off her ears. He could have said, no, I want marry, and then finished, but he had to disfigure her. Therefore, in this life, no one would accept her. Therefore, colors are very cruel to women. There was another color, black person. His name, Bhanu. He came with a big cheetah. He came in a very small form, and he said to Bali Maharaj, I am not greedy, I don't want anything. Just give me 3 steps of land. Even he forced Bali Maharaj to take us some kalpa. Bali Maharaj. Then what did he do? He cheated his own devotees. He became Shivakur Maharaj, sorry, Shivakram, and took up to heavenly planets, then to Pandalok, bound his own devotee, pushed him on the ground, put his feet on his head. There was such a black person who was talking like that to his own devotee. You cannot imagine what he would do to us. Therefore, Krishna took that black, took everything from us. But what can we do? We cannot just give up talking about him. Once that name of that black entered our ears, then we lost everything. Such a person will simply weep and go to Vrindavan like a homeless bird. And seeing his condition, others will also weep. His family members will weep. This color makes everybody weep. Therefore, Srimati Radhika said, we cannot go to Mathura. There is a place of opulence. And many moons came into Srimati's heart. And she said, is Arya Putra. Arya Putra means a very respectful person. Is he there, Mathura? Possible. A respectful person. Is he in Mathura? Very nice. Because if he is in Mathura, there is some chance he may return. But if he leaves Mathura and goes very far away, then he will never return. Does sometimes he remember his mother, his father, his friends, the cows? Sometimes while he is surrounded by the queen, the princess is there in Mathura, does he remember the gopis even in a bad way? Are those gopis don't know anything, only boiling milk? Does he even speak about us in a bad manner? Or has Krishna traveled everywhere? Then realize, oh, no one performs service like the gopis in the three worlds. Will that see Krishna return here? Will again he place a guru's sacred hand upon our head and remove our fears, remove our fear? That's an amazing like this, Srimati Radhika, for everyone. देख करके उनका भाव आश्चर्यचकित रहे। ऐसा उन्होंने सुना भी नहीं था, देखने की तो बात अलग और गोपियों की मतलब महापारा
और देवियों कृष्ण आपके शादी में परिपूर्ण रूप से है, आपका जीवन कृतार्थ है। ऐसा प्रेम किसी ने भी नहीं देखा गया। आप लोगों ने किरण में जो बातें कही वो त्रिभुवन पवित्र बनाने वाली है। मेरा जन्म शुद्ध हो गया। उन्होंने कहा कि हमारी बात तो क्या है, बड़े बड़े योगी लोग और हमारे जैसे भक्त लोग, नारद जी जैसे भक्त लोग, गोपियों जैसा फल चाहते हैं, इनको किसी को आज तक नहीं मिला। व्यभिचार कहा ये संसार की व्यभिचारी स्त्रियां जो कृष्ण को छोड़ करके दूसरों को पति बनाया है, और कहा ये प्रति की गोपियों कृष्ण फल ब्रह्म भगवान और भी उनके प्रति रूप भाव भाव महाभाव रूढ़ अति रूढ़ महाभाव से जुड़ पर भी इन गोपियों का भाव हो। यदि अज्ञान रूप में भी औषधि का सेवन किया जाए तो मनुष्य को निरोग कर दे कृष्ण के प्रति, किसी का भी विवाह हो लग जाने से वो जगत को पवित्र करने वाला बन जाता है। ये गोपियों की परम दशा है। लोग देखते हैं कि उनके प्रति जाल बुद्धि रखने वाली पे भी जाग नहीं है, इन पे जाग नहीं पाती। मैं तो वृंदावन में इन गोपियों की चरण भूमि को पाने के लिए तीर्ण लता दीर्घ बन जाऊं, हमारे जीवन शांत हो आज तक भी सूतिया जिनके चरणों की कमलों की खोज करते हुए नहीं पा सकी, गोपियों ने उनको अपने प्रेम से वशीभूत कर रखा है, अपनी मुट्ठी में कर रखा है। इन गोपियों की महिमा कहां से उन्होंने कहा जो मैं ब्रज की जो गोपियां हैं, नंद बाबा के गांव की जो गोपियां हैं, उनमें किसी एक भी एक चरण भूमि की वंदना करता हूं। पंडित नंद बजे श्री नाम पाद रेणु अभिघ्न सा जासन भक्त को भी पूरा जिनके मुख से ऐसी सुंदर किरण में उनकी बातें जो लिखी है जो त्रिभुवन को पवित्र बनाने वाली कहने के बाद में गोपियां जब राधा जी प्रेम मूर्छा से उठी तो क्या कहने लगी, हा ना ब्रजना ब्रजनाथा की नाशन सब सर्व गोविंद गोकुल ब्रज के नाथ ब्रज की रक्षा करने वाले ब्रज के समस्त लोगों को जितने भी प्रकार के कष्ट है उनको दूर करने वाले समुद्र गोकुल आपके गृह में डूब रहा है। हे गोविंद आपके गृह में समुद्र में आज ये सारा गोकुल डूब रहा है, भर रहा है, जल्दी से आकर के ये करने के लिए गोपियों की महिमा है। जब कुछ होश आया तो उद्धव से कहा देखो तुमने हमसे तो कहा कि कृष्ण तुम्हारे गृह में रहती कृष्ण से मत करना, हम लोग कृष्ण को के दुख में बड़ी दुखी है। उनसे कहना है कि दुनिया को खाती पीती और चाहे श्रीकार करते हैं आपको भूल गई
यदि गाना थी तो धीरे धीरे गाना, आज कुछ गाना तो कुछ गाना, और नहीं तो कृष्ण का हृदय बड़ा कोमल है। जिस प्रकार से कोई वस्त्र पुराना हो निचोड़ने से फट जाता है, वैसे ही ये हमारे विरह की बातें सुन करके कृष्ण का हृदय टूट जाएगा। इसलिए आज कुछ गाना तो कुछ गाना धीरे धीरे सुनते इसको सुनकर से तो उद्धव जी और भी गोपी प्रताप प्रति श्रद्धा सिद्ध हो गए और कुछ दिन बड़े दिन रहकर फिर उनको संतना देते हुए ब्रज में लौटे और कृष्ण से धीरे 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 यही बातें, आपके बिना वो जीवित नहीं रह सकती, आपको जरूर चलना है। इस तरह से उद्धव ये संदेश ये समाप्त। Seeing all this, Uddhav was most astonished. Uddhav had never heard of such a thing, what to speak of seeing it directly. Therefore, finally, Uddhav did put down to the gopis and said, really, Krishna is always completely with you. I have never seen such a prema like yours anywhere. Your separation from Sri Krishna is so wonderful. It purifies the three worlds. By seeing you, my life is completely successful. Your friend is so exalted that even rishis and munis like myself, like Narad, like Mahadev, like Brahma, we want it, but we cannot get it. Therefore, where are the ordinary women of this world, and where are the glories of the gopis? They have achieved Guru Bhava, which is a part of Mahabhava towards Akhilatma Sri Krishna. Therefore, the glory of the gopis is so powerful, it's like even if one takes a medicine out of ignorance, still you will be cured of the disease. People of materialistic intelligence consider the gopis to be fallen from the path of religion, but this is not so. They are most exalted. Asama Hom Chandrayam Chusama Sham Chusama Hom Sham. Therefore, Buddha prays, I pray to become one speck of dust from the foot of the gopis. My life is perfect, but even the Shrutis, the personified Shrutis, cannot achieve the foot dust of the gopis. Their presence of greatest completely controls Krishna. I pay obeisances to the gopis of the village of Nandabhava. Therefore, he prayed for one speck of dust. One speck of dust cannot be at the feet of two gopis. Therefore, Uddhav in a secret way today pranamed at the feet of Srimati Radhika. Their bitter heart, their separation from Krishna is so beautiful, it purifies anyone who hears it. Therefore, Srimati Radhika became conscious again and lamented further. Hey Ma, O Lord, O Rajanath, O Lord of Vrindavan, you always remove all the sufferings of the devotees here. Now this Gokul is drowning in your separation. O Krishna, if you do not come here and save us, we will be finished. Saying Srimati again fell unconscious. After rising herself, she said to Uddhav, when you go to Mathura, whatever you do, not tell Krishna that the gopis are unhappy. You should tell Krishna the gopis are very happy, eating, decorating themselves, enjoying life. Because Krishna's heart is very, very soft. If he hears of our separation, his heart will tear like an old cloth. Therefore, if you have to tell something to him, you should describe a little bit one day and a little bit the next day. Because when he hears of our separation, he will also die. Hearing this, Uddhav became even more astonished, and he spent some more days there in Vrindavan. Finally, he went to Mathura, and gradually he said to Krishna, O Krishna, without you, the Vrijavasis, they cannot live. You should find some way to return them. दक्षिण की तरफ में नीचे है, इधर है नंद बाबा का भवन और उधर है बरसाना से उत्तर नंद गांव की ओर में नीचे में विश्वभानु जी का भवन था।
यशोदा जी का अलग घर, नंद बाबा का अलग घर, बलदेव जी का अलग घर, कृष्ण का अलग घर, रसोई घर अलग, बगीचा अलग, ये सब गोविंद लीलामृत में ये सबका वर्णन है। आजकल वो पुराना घर आज 5,000 वर्ष हो गए टूट फूट करके, हम लोग गए थे तो कुछ कुछ उसका थोड़ा सा अवशेष था और वहीं पर हम लोग गए, एक धर्मशाला बनी हुई थी, अब वो भी समाप्त हो गया, कोई चिन्ह नहीं है। इसके बाद में वहां से एक कदम वह स्थान है जहां पर कि कृष्ण नंद बाबा की पासी में खिड़क थी और वही प्रथम का एक वृक्ष था, उसके ऊपर में कृष्ण चढ़कर बंसी से गायों को एकत्रित करते थे। भौरी, पिशंगी, जमुने ये कहकर के गायों को बुलाते थे। करोड़ों गाय में से यदि एक गाय कहीं किसी तरह से रह गई तो उस गाय का भी नाम मणियों से गिन करके देखते ये तो ये गाय गिन गया। एक गाय को भी लेकर के कदम के ऊपर चढ़ करके उसका नाम पुकार करके उसको बुला देते, और रात्रि काल में कदम वृक्ष के ऊपर में चढ़ करके बंसी से अशुद्ध ध्वनि से गोपियों को बुलाते थे। सभी गोपियां समझते थे कि हमारे नाम को भी ले रहे हैं, इसलिए सभी दौड़ करके वहां पर आकर के कृष्ण से मिलती राशि जाने वही प्रभु को चाहिए या भजन को चाहिए। वही पर सनातन गोस्वामी से उनकी भेंट हुई और कथा प्रसंग में जब भेंट हो गया राधा जी स्वयं रूप गोस्वामी की इच्छा जान करके और चावल दो शक्कर ले आई, क्योंकि उनको तो समय नहीं है बनाने का कि अपने आप कंधे ले आकर के सूखा उसमें से आग निकल गई और उसी पर जल्दी से जल्दी खीर बना करके बोली ये खीर रखो अपने भाई को भी पिलाओ। जब चली गई तो सनातन गोस्वामी उस खीर को देख करके फिर तो प्रेम हृदय में उमड़ने लग गया। रूप ऐसा मत करना, तुमने कोई कामना की है, कहां कामना की थी कि हमारे बड़े भैया सनातन जी आने उनको खिलाने के लिए हमारे पास देखो, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्रीमती राधिका जी खुद आ करके और खीर बना करके तुम उन्हीं की उससे सेवा लेते हो। इस प्रकार से वह स्थान है वहां से कि वहां से चरण पहाड़ में गए कृष्ण, वहां पर दो चार हफ्ते से मैंने बंसी बजाया और पहाड़ी के ऊपर में उनके चरण चिन्ह उभर कर दिया, जिसको अपूर्ण देख करके और प्रेम में बेबल होकर के साष्टांग प्रणाम करके उसको प्रणाम किया और कृष्ण की स्मृति आने लगी। ये सब आप लोगों का सौभाग्य है इनका दर्शन किया। इसी करके गोपियों का जो राधा जी का भाव वर्णन किया गया जगत में ऐसा दुर्लभ, उनका तन, उनका मन, उनका वाणी, उनका सब कुछ कृष्ण में सब समय इस प्रकार से निमग्न रहता था और संसार की कोई बात उनको याद नहीं, कहां मैं हूं, कहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दिन रात कृष्ण की चिंता, कभी बिगड़ वाली चिंता, कभी बिल्ली की चिंता, सब यदि कृष्ण को पाना है तो थोड़ा भी ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। भजन करने के लिए विरक्ति अनुभूति हो कि हम कृष्ण से मिल नहीं सकते, गोपियों का ऐसा भाव और हमारा कैसा दुर्भाग्य। विशेष करके संन्यास लिया जाता है किस लिए, न्यास संसार के समस्त वस्तुओं को
समस्त व्यक्तियों को सब जितने हैं सबको छोड़ करके कृष्ण में तन्मय हो जाने के लिए बोल दिया जाता है। गोपियों का भाव यदि उसमें इस तरह की भावना नहीं आई तो पतन सुना है। वो लोग बड़े दुर्भाग्य। इसलिए आप लोग भी चेष्टा करेंगे या करेंगे वीरा के साथ में नाम लेने की चेष्टा करेंगे। उनकी वीरमयी लीलाएं हैं उनका स्मरण करके हमारा दुर्भाग्य हृदय द्रवित नहीं हो रहा। कृष्ण नाम लेने से इतना बहुत आया हमारे मन में कबूल की कृपा। जीवन का एकमात्र सार्थकता इसी में है कि कृष्ण का के प्रति ऐसी अनुरक्ति हो और कुछ नहीं। संसार में स्त्री के प्रति पति के प्रति आसक्ति के लिए भगवान ने मनुष्य जन्म नहीं दिया उसका दुरुपयोग बना ये इस प्रकार से हम लोग नंदगांव का पूरा भ्रमण करके पावन सरोवर में गए। पावन सरोवर का नाम पावन इसलिए पड़ा विशाखा जी के पिताजी ने यह सरोवर बनाया था इसलिए पावन सरोवर पड़ा। कृष्ण गोचारण करके गैयाओं को ले आकर यहाँ पर पानी पिलाते थे। चू चू गैया पानी वहाँ पर चली जाती और चू चू पाती तो पानी पीती। निकट आ जाओ। इस प्रकार से गायें समझती थी कि कृष्ण क्या कह रहे हैं और ठीक वैसे ही एक प्रकार से वो लीलाएं करते। वही पर एक तरफ से कृष्ण सखाओं के साथ में स्नान करते दूसरी तरफ में राधिका जी और कृष्ण डूब करके वहां जाकर के राधा जी का पैर पकड़ते और राधा जी जब पकड़ते तो डूब करके ये सब लीलाएं। वही पर हमारे भानु महाराज ने अपनी बेटी के लिए उसी के छत पर एक राजमहल बना दिया था आकर के वो सारे और सब मिलाए वहां पर पावन सरोवर में हुए। और सनातन गोस्वामी भजन श्रुति यही सब सनातन गोस्वामी भजन श्रुति सनातन गोस्वामी भजन श्रुति सनातन गोस्वामी की भजन श्रुति पावन सरोवर में वही पर एक बार भूखे भजन कर रहे थे। कृष्णा आए और सर दूध गया या फिर मटके में। अरे बाबा ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता तो भूखे यहाँ पर हो लो ये दूध पी लेना और मैं लौट करके आऊंगा तो फिर मैं ले जाऊंगा मटका। उन्होंने बच्चे का ये भाव देख करके उस समय नहीं समझे कि ये कृष्ण है किंतु मीठी बड़ी प्यारी है। पीछे से दूर किया जीवन कृष्ण प्रेम जो मेरी को आए किसने जी हमको सब लिया। मैं यहाँ आकर के भी दर्शन नहीं कर सका आए नहीं तो समझ नहीं इस प्रकार से हार है। वहां पर बहुत से ऋषि महर्षि हम लोगों के संप्रदाय के बड़े बड़े लोलिताकुंड भी गए थे। ललिताकुंड की कथा तो बोला बोला होगा बहुत एलईडी वन टू तो भाग चला क्या शिशु एलईडी कल हम लोग बरसाना जाएंगे वहां पर।
और साधन है तो अमर पंथ की तरफ में जाएंगे, पहले की सौरी आएगी, चिंता सती का गाँव सबसे पहले जाएंगे विश्वान कुंड और पिता कुंड, फिर वहां से ऊपर उठ करके विष्णु बाबा की गाय धुनी जाती थी और उसके बाद में गंवर कुंड गंवर बन वहीं पर जलपान होगा और मोर कुटी जरूर देखना, कृष्ण मयूर होकर के राधा रानी मयूर होकर के नीचे और उसके बाद में विलासगढ़ मानगढ़ कामगढ़ वहां पर सब विचित्र लीलाएं हुई, तब राधा विकास सिंह कुंज में पहुंच करके उनका दर्शन करना, फिर किस भानु भवन दर्शन करना, ऊंचा गांव में ललिता जी का विवाह मंडप फिसल पहाड़ी अल्ता पहाड़ी और हुआ है वहां पर और एक सरोवर भी है, ये सब का दर्शन करना, ऊंचा गांव में ललिता जी का महल और वहीं पर अटोर पर्वत देव कुंड दाऊ जी स्थान इत्यादि सब दर्शन करके वो ऊंचा गांव में ही प्रसाद सेवा होगी और फिर वहां से सवेरे में लोग आप लोग जैसे 5 बजे प्रस्तुत होते हैं 5 बजे सभी लोग प्रस्तुत हो जाए। But it's not the original temple. The temple that we visited yesterday is not the original Nandagam. The original village of Nandagam is to the south, lower down. But it's in the time of his Buddha death that he used to go there, and there were just some remnants left. And there was one galaxy that they used to stay, but now that has all disappeared. Just like Vishwamitra Maharaj, their house, their Baba is not on the top of that mountain, it's on the bottom. Therefore, in Govinda Lila, it's described how Nanda, Shri Yashoda, Baladev, all have separate, apart from Baladev. Therefore, yesterday we also went to Tirukkadamba. At that place, nearby, Shri Nanda Baba had one kiosk, one goshala, and he would keep his cows there. There was one Kadamba tree, Krishna would climb that and count the cows. So Krishna knew exactly how many cows were there, and if one cow was missing, then Krishna knew, and he would call that cow, Shamanam. Sometimes Krishna would play his flute, and he would call the gopis, and his gopi would hear, oh, he is only calling my name. There, Sri Rupa Goswami used to perform bhajan. Sometimes Sri Sanatana Goswami would appear there. One time Sri Sanatana Goswami came and Sri Rupa Goswami had a desire. I will feed something nice to my big brother, but there was nothing. Therefore, Srimati Radhika appeared there, having milk and rice and sugar. And she saw they were absorbed in Harikatha. She herself blew on the chula, the fire, and made it burn. And with her own hands, she made some sugar. Then she offered that to Sri Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami gave that sweet rice. Hey, one little quiet, 2 minutes. Then Sri Rupa Goswami gave that sweet rice to her, his brother. Taking that sweet rice, then Sanatana Goswami was overwhelmed in ecstasy. Then Sanatana Goswami could understand who made this sweet rice. Who made this sweet rice? That was none other than Srimati Radhika. Therefore, Sri Sanatana Goswami corrected Sri Rupa Goswami. Oh, Rupa, did you have some desire? Oh, yes, you should not be like that. We are meant to serve Radhika, but she came and we took service from us. We went to Charan Pahari.
There, Akura saw the footprints of Krishna in the stone and became absorbed in remembering Krishna. How lucky we are to hear this guitar, especially the guitar concerning the gopis. Day and night, the gopis would remember their meetings with Krishna and their separation from Sri Krishna. Therefore, if we want to achieve Sri Krishna, we should become a little bit like that. If we cannot feel separation from Krishna, then how we can meet Him? Therefore, this is the meaning of sannyas, sannyas, when one leaves everything to achieve gopi bhav. Therefore, those who do not have this gopi bhav, they must fall down from sannyas. There's no other upaya, no other. It must happen, no other way. Therefore, such persons are most unfortunate. So we should change the name with separation. But we are so much unfortunate, our heart is not melting. Even though Krishna's name is so sweet and powerful, still our hearts are not melting in any way. Therefore we should weep when they will give mercy to us. Therefore we should not misuse our mind. We should not put it in improper direction to be attractive and thinking of women, wealth and so forth. We went to Parvansarovar.